मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान एक तरह से शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में हैं। कांग्रेस ने भी अब गुटबाजी वाली कोई बात है नहीं, दिखाई भी नहीं दे रही। एकजुट है कांग्रेस, और कांग्रेस सीधी तरह से ये चाहती है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को इस बार सत्ता से बेदखल कर खुद सत्ता पर काबिज होना। आज हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी। आइए जानते हैं क्या तैयारी है कांग्रेस की। देखिए, जहाँ तक गुटबाजी की बात है, ये एक मीडिया का क्रिएशन था कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, अलग अलग अंचलों के नेता हैं और अपने अपना सोच है, अपने अपने तरीके से काम करते हैं। हरदम कांग्रेस एकजुट रही है और एकजुट आज भी है। चुनाव में हमें सत्ता हासिल करना हमारा लक्ष्य नहीं है कि सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेस एकजुट होकर और राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता आज परेशान है, चाहे जिस वर्ग को आप देख लें, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, और उनके लिए एक विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी अपना प्रोजेक्शन कर रही है कि भाई आपने खूब देख लिया भारतीय जनता पार्टी को, वापस कांग्रेस को मौका दीजिए, हम वापस मध्य प्रदेश में अमन चैन लाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मुद्दे का सवाल है, तो आप और हम सब जानते हैं आज महिला सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था है नहीं, हस्ताक्षेप हर चीज़ पर है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, पोस्टिंग से लेके एक एक छोटे से काम में भाजपा के नेताओं का हस्तक्षेप है। किसान उस भावांतर योजना से बेहद परेशान है। हजारों की संख्या में बड़ी बड़े जिलों में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हैं, लेकिन खरीद नहीं हो रही। युवा अपने आप को छला महसूस कर रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, मतलब कर्मचारी असुरक्षित हैं। तो इस पूरे प्रांत में खुश कौन है, सवाल इस बात का है। यदि खुश एक वर्ग है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और उनके पिछलग्गू लोग। अजय सिंह जी, विकास की बात इस बार बिल्कुल भी नहीं कही जा रही, ना बीजेपी की तरफ से कि हम ये विकास करेंगे सत्ता में आए तो, ना कांग्रेस ऐसा कहती है कि हम यदि सत्ता में आए तो हम जन कल्याण के लिए क्या करेंगे, क्या योजनाएं लाएंगे। देखिए, अभी बहुत जल्दी है, जल्द ही कांग्रेस एक विजन डॉक्यूमेंट मध्य प्रदेश के विकास के लिए लाने जा रही है, और उस विजन डॉक्यूमेंट में हर क्षेत्र के लिए क्या हमारी सोच है, क्या हमारी कल्पना है कि प्रदेश को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे रोजगारी बेरोजगारी दूर हो, कैसे किसान सुरक्षित महसूस करें और वातावरण सुदृढ़ हो, उसके लिए एक हमारा विजन डॉक्यूमेंट जल्द ही पेश होगा। मुस्लिम वोट जो हैं बिल्कुल माने जाते हैं कि कांग्रेस के ही हैं, लेकिन अभी जो जिस तरह से फेरबदल हुआ कांग्रेस में, नए अध्यक्ष आए, बातें की जा रही हैं कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों की उपेक्षा कर रही है और हिंदुत्व की तरह उसका झुकाव हो रहा है। देखिए, किसी एक समुदाय को इस तरह से चिन्हित न किया जाए। कांग्रेस पार्टी ही एक सेकुलर पार्टी है, हर धर्म हर समाज के लोगों को साथ आज नहीं आज़ादी के पहले से लेकर चलती आई है, और ख़ास तौर से उसमें हमारे मुस्लिम समाज के भाई जानते हैं कि कहाँ वो बेहतर सुरक्षित हैं। ये कहना कि उनकी अनदेखी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो एक प्रचार तंत्र है वो इस तरह की खबरों को ज़्यादा फैलाने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया पे खिल्ली उड़ाने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, क्या कहते हैं इसको? बड़ा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में घटिया राजनीति सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फैलाने की कोशिश की। हाल में जो एक दो वीडियो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किए जा रहे हैं, उसमें साफ असाफ से एक सुरेश नखुआ नाम के व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, उनके माध्यम से इस तरह की
सोशल मीडिया में प्रचार करना मध्य प्रदेश की राजनीति को शोभा नहीं बढ़ाता। सोशल मीडिया इस बार के चुनावों में निश्चित तौर पर एक बड़े हथियार के रूप में देखा जा रहा है, क्या इस हथियार का इस्तेमाल कांग्रेस भी करे? प्रॉपर सोशल मीडिया कांग्रेस प्रचार करेगी, घटिया सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ देती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी, जिन्होंने हाल ही बयान प्रस्तुत किया कि किस तरह से कांग्रेस का एजेंडा होगा और कांग्रेस इस बार चुनाव में किन मुद्दों के साथ और किस तैयारी के साथ सामने आएगी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।